दुआ के लिए आएंगे जी जी, इसलिए कि मुख्तसर सा हजरात बिल्कुल जिस तरीके से बारिश की वजह से गर्दोगुबार जो है उड़ नहीं रहे हैं, उसी तरीके से आपके जहन पर भी बरसात का पूरा असर है। बहरहाल चंद लोग हैं, कम हौसला है मेरे पास भी, मगर फिर इस कम हौसले के साथ भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम हौसले के साथ एक चार मिसरा ऐसा हाजिर करूं जिसमें ऐसा लगे कि एक एक शख्स 10 आदमी के बराबर गात दे रहा है। इंशाल्लाह सब तैयार है, ये नौजवान बच्चे तो है मुझे यकीन है, और स्टेज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुफ्ती अब्बास साहब दामन बरकातहु पूरे लश्कर को लेकर के शमसुल उलूम के हवाले से चार मिसरे में पेश करता हूँ। ये मतला अजीब सा है मेरी जिंदगी का, अल्लाह करे कि आपको भी पसंद आ जाए, और आपकी मौलाना फरमाइश मैं निकाल के रखा हूँ, उसे पढ़ूंगा। मतला पेश है समाप्त कि कश्ती के मुकद्दर में माइक ऑपरेटर साहब बहुत ही अच्छा माइक है आपका, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको, बहुत अच्छा है, सोते हुए आप सुन लीजिएगा मुनादा फरमाए कि कश्ती के मुकद्दर में किनारा नहीं होगा। बहुत सीधे से मैंने मतला हाजिर किया और बहुत कंजूसी से आपने समाप्त किया, आइए इस कंजूसी को दूर कीजिए और मैं थोड़ा सा धांधली से मतला हाजिर करता हूँ। समाप्त भगवान के कश्ती के मुकद्दर में कश्ती के मुकद्दर में किनारा नहीं होगा, किनारा नहीं होगा, किनारा नहीं होगा, किनारा नहीं होगा। कश्ती के मुकद्दर में, कश्ती के मुकद्दर में किनारा नहीं होगा, किनारा नहीं होगा, किनारा नहीं होगा। क्या खूबसूरत माइक है, खुदा की कसम लाजवाब माइक है आपका, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके माइक के साथ साथ आपकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। इशारा नहीं होगा, इशारा नहीं होगा। अक्सर शोरा को देखते होंगे
कि चांद से तंसील देते हैं। आइए दिल खैराबादी उन शोरा के हवाले से चांद नहीं चांदों का जिक्र करना चाहता है। मुलाजा फरमाए हरी जब से जहर का भी शेर देखिएगा कि कश्ती के मुकद्दर में किनारा नहीं होगा, जब तक मेरे आका का इशारा नहीं होगा, इशारा नहीं होगा, इशारा नहीं होगा। किसो चांद बनाकर सुनिएगा शेर, किसो सौ चांद बनाकर सौ चांद मिलाकर कोई एक चांद बना ले, सौ चांद मिलाकर सौ चांद बनाकर कोई चांद बना ले, एक वाकया अगर आपने इसे इसी तरीके से सुन लिया तो इंशाअल्लाह एक दो शेर का इजाफा इसमें करूंगा, वरना एक नाते पाक मुझे पढ़नी है जो मदरसा शमसुल उलूम के निगरा आज के सदर बाबकात हजरत मुफ्ती अब्बास साहब नामक बरकातों के सी अजीम शख्सियत और मेरे अपने छोटे भाई जनाब हाफिज अहमद साहब के हवाले से वो शेर हाजिर करना है। एक वाकया हाजिर करता हूँ, हजरत मौलाना महबूब साहब चले गए वरना मैं ये सुनाने के मूड में था। मुलाहजा फरमाए कि वजूद की तार Yeah.
बहुत ही अजीब सा चीज है बतौर खास अल्लाह के बाद कि जो अपनाएगा मेरे आका की सुन्नत और शेर की हजामत हो जाती बजाय हजरत कारी जैसे जहर साहब इंशाल्लाह मेरे बाद हजरत कारी साहब पूरी तैयारी कर रहे हैं आपके दरमियान आएंगे कि शहीदी की किताब है